जो बदबू मारता है भाई, रूम का खिड़की डर से खोल नहीं पाता हूँ। आपको अगर याद हो, मैं जिस दिन इस जगह पे घर देखना है, मेरे को सारे रूम से लेकर ऊपर तक सारे रूम दिखाया गया, तो मैंने चूज वही रूम किया था जो रूम में मैं रह रहा हूँ, क्योंकि इसमें नीचे बड़ा सा रीजन है। मेरे रूम में चार खिड़की है, चार खिड़कियों से मेरे को उतना सा रूम में चार खिड़की है, खिड़कियों से मेरे को तालाब दिखता है, मेरे को पेड़ दिखता है, मेरे को मेट्रो स्टेशन दिखता है, मतलब बहुत दूर दूर तक विजन है, तालाब दिखता है। ये एक हार्ड रीजन था कि मैं वो रूम लूँ, मस्त है, उधर देखेंगे पक्षी वक्षी देखेंगे, पेड़ है, पेड़ में मतलब समझ हवा हवा लगेगा। लेकिन किसको पता था कि ये चीज अभी जाके मेरे को इतना दिक्कत देगी, इतना सरदर्द देगी। मेरे घर से थोड़ा आगे जो गली गया, उसकी गली की थ्रू आप जाएंगे तो सामने का आपको मच्छी मार्केट मिलेगा, और सामने रास्ता क्रॉस करेंगे उधर एक म्यूनिसिपैलिटी का मच्छी मार्केट मिलेगा। कोलकाता में क्या होता है कि जहाँ पर भी मार्केट वगैरह है वहाँ पे मच्छी बिकता है, फिश। इस एरिया में जहाँ जहाँ फिश बिकता है, जहाँ जहाँ हिला वेला लेके नहीं तो ऐसे घूम घूम के मच्छी बिकता है, सबका मच्छी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बर्तन वगैरह है वो धोने का जगह एक गेट है। इसका थोड़ा आगे ये जो देख रहा हूँ ना, इसका थोड़ा आगे जहाँ पे वो जो सेकंड घाट है उसमें लोग नहाते हैं, तो उसमें मच्छी वगैरह धोने नहीं देता। और भाई हर रोज मच्छी धोने के बाद जो बदबू मारता है भाई, मैं अपना रूम का खिड़की डर से खोल नहीं पाता हूँ। लोगों का कितना मस्त मस्त प्रॉब्लम है बताओ, मेरा भी प्रॉब्लम देखो, मिडिल क्लास वाला मच्छी। और इसके बारे में देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया मच्छी तो खाते हो तो क्या दिक्कत है। अरे भाई मछली खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर मछली सूंघे और मछली लेके सो जाए। ये मेरा हाइट, ये उसका हाइट भैया। पता है आज मच्छी वाला आया धोया, मैंने सुबह में बात कर रहा था मच्छी वाला प्रॉब्लम लेके, तो वो आया मच्छी धो रहा है, मैं कह अरे अंकल इधर पे मच्छी मत धो ना आप। मैं तो सीरियसली लिया ही नहीं, मेरे को बोलता है ठीक है कल से नहीं धोएंगे, धो के निकल लिया, हर रोज यही बात बोलता है। लाइट की देखे, हाँ मुझे नहीं पता है कहाँ आ गए, पर आ गए, जगह बहुत सेक्सी है, गजब जगह बहुत सेक्सी है ब्रो। ये मेट्रो लाइन, मस्त ऊपर से मेट्रो जाता है, नीचे से गाड़ी जाता है, इधर से मछली जाता है, बहुत सही, सबके लिए जगह है, इधर सब भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है। शर्ट का हालत देखो, पूरा बिक गया। ओके, तो जिस बात बोल के मैं ब्लॉग शुरू किया था कि मच्छी वाले को कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, मैंने ओनर को सोचा कि बोलूँगा, लेकिन भाई ऐसे रूडली बात करना में बुरा लगता है, वो लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है, मच्छी बेचता है, और मैं अपने बाप का पैसा उड़ा रहा हूँ, तो फिर बोलने में थोड़ा खुद के अंदर वो होता है। एंड वन मोर थिंग दैट आई एम नोटिसिंग नाउ इट इज दैट, पहले मैं वो करता था, क्या बोलता है उसको, एक इंट्रो देता था, हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय चैनल, वो आजकल बोलता नहीं हूँ, मैं कल से रोज़ बोलूँगा। एंड यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो धन्यवाद, ब्लॉग देखने के लिए शुक्रिया, दो बार बोला मेरे को पता है। एंड मिलते कल, हैप्पी क्लैन।